अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मेरे टेस्टी टेबल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन अंगारा की रेसिपी, एकदम सिंपल और आसान तरीके से घर के मसाले से। तो चले इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करती हूँ। हाफ के जी चिकन लिया है मैंने, बोनलेस चिकन है जिसके मैंने मीडियम साइज के पीस कर लिए हैं। और इसमें एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, एक चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है, 3 से 4 चम्मच दही ऐड करूँगी मैं इसमें, और 2 मीडियम टमाटर है जिसको मैंने मिक्सर जार में पीस लिए है उसको भी मैं ऐड करूँगी, और 2 मीडियम साइज की प्याज ली है उसको भी मैंने महीन पीस लिया है मिक्सर जार में उससे भी मैं ऐड करूँगी, 1 पीस मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है, अगर आप डालना चाहे तो ठीक है वरना स्किप कीजिए, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए, नहीं डालना रेड फूड कलर तो। और हाफ चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है जो घर का पिसा हुआ मसाला है, क्योंकि मैं बाहर का मसाला नहीं डालती। अगर आप डालना चाहे तो चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम घुमाएंगे और मैरिनेट करके हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे ढककर। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें टेस्टी टेबल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कौन से मुल्क से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखिए, रेसिपी कैसी लगती है वो भी बताइए। तो चले मैंने एक चूल्हे पे एक कढ़ाई रख दी है जिसमें मैंने 3 चम्मच खाने के 3 चम्मच तेल ऐड किया है, उसमें मैंने 1 दालचीनी का पीस ऐड किया है। जब ये चटकने लगे तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ, उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनती है, एक बार बनाकर ज़रूर देखना मेरे तरीके से, और मुझे फीडबैक ज़रूर देना, मुझे फीडबैक की आपकी बहुत ज़रूरत है। चले मैंने मैरिनेट किए हुए बर्तन में से पानी डालकर भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए, उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। एकदम आसान तरीके से है, अगर आप सिंपल और आसान रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो टेस्टी टेबल पर ज़रूर विजिट कीजिए। चले मैं इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छी तरह से ये भून चुकी है। बहुत तरह के चिकन अंगारा बनाए जाते हैं लेकिन इस तरह से सिंपल स्टाइल में चिकन अंगारा में जो आपको बता रही हूँ एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। चिकन अच्छी तरह से भून चुका है, मैंने काजू का पेस्ट सेट किया है, 10 से 12 काजू लेकर मैंने इसमें दूध डालकर मिक्सर जार में पीस लिया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसे घुमाएंगे ताकि काजू और मसाला चिकन सब चिकन में रस बस जाए। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो चले इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ मैं 5 या 6 मिनट के लिए। चले फिर चेक करते हैं हम। चिकन भी हमारा गल चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से, इसकी ग्रेवी ये जो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। काजू डालने से दूध में काजू पीस कर डालते हैं तो इसकी रिचनेस बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़ जाती है रिचनेस इसकी। चिकन भी हमारी गल चुकी है। चले तो इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। चले फिर चेक करती हूँ। चिकन हमारा बन के तैयार है चिकन अंगारा। अब इसमें चिकन अंगारा है तो अंगारे का धुआं लगाएंगे हम इसे, एक फॉइल पेपर की कटोरी बनाएंगे और अब इसमें रखेंगे। और मैंने साइड के चूल्हे पे कोयला गरम रखा है। तो चले कोयला गरम हो चुका है, अब इसमें मैं 2 बूंद तेल ऐड करूँगी और इसे ढक दूँगी ताकि इसका धुआं जो है बहुत ही अच्छा आ जाए और इसकी खुशबू पूरी चिकन में फैल जाए।
तो चले इसे ढक देती हूँ। चले हम ढक्कन उठाकर देखते हैं वहाँ क्या खुशबू आ रही है। अब मैं बता नहीं सकती आपको, तो मैं इसे सर्व इसी कढ़ाई में ही करूँगी, सर्व नहीं करूँगी, कढ़ाई में ही रखूँगी। रेसिपी कैसी लगती है आपको? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो लेकर, नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।